टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। ट्रेन का नाम बदलने पर भड़के ओवैसी, कहा टीपू की विरासत का भाजपा कभी नहीं मिटा पाएगी। जयपुर में कांग्रेस एमएलए भंवरलाल शर्मा का निधन, सरकार गिराने से लेकर बचाने तक के रोल में रहे बेबाक। असम में अमित शाह बोले, तुष्टिकरण के लिए नहीं, पूर्ण शांति बहाल होने पर ही हटेगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर बोले राहुल गांधी, खड़गे और थरूर कद्दावर नेता रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नहीं। भेदभाव वाले बयान पर भागवत के पक्ष में शरद पवार बोले, ये जुमलेबाजी ना रहे, मुसलमानों पर कही ये बात। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेगा कार्निवाल में लिया हिस्सा, लोगों के साथ लोक नृत्य भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर लागू किया जाएगा उदयपुर घोषणा पत्र। जगदानंद सिंह आरजेडी बैठक में शामिल होने दिल्ली नहीं पहुंचे, तबियत खराब होने का दिया हवाला। बिहार में गंडक नदी में उफान जारी, नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, हाई अलर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, मुझे कंस की औलादों का सफाया करना है, मेरा जन्म जन्माष्टमी को हुआ। मोहन भागवत को वैसी का जवाब, कहा देश में सबसे ज्यादा टीएफआर मुसलमानों का गिरा है, टेंशन मत लो। चुनाव आयोग ने टीम ठाकरे और टीम शिंदे के बीच तनातनी को देखते हुए शिवसेना का चुनाव चिन्ह जब्त किया। गुजरात में कांग्रेस एमएलए पर हमला, राहुल बोले हमारे कार्यकर्ता आखिरी सांस तक लड़ेंगे। केजरीवाल को एलजी ने लिखा लेटर, कहा आपके मंत्री मर्यादा लांग रहे, केजरीवाल बोले एक और लव लेटर आया। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में खेला फुटबॉल, अपने पैरों से फुटबॉल को नचाया, हेडर भी किया, खेलते हुए गिर पड़े। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, डॉक्टर बोले हालत अभी भी क्रिटिकल, अगले 24 घंटे से 48 घंटे बेहद अहम। कानपुर के घोष शिविर पहुंचे मोहन भागवत, स्वयं सेवकों ने किया पथ संचलन, वाल्मीकि जयंती सहित 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बम की फर्जी सूचना देने वाले को पुलिस ने पकड़ा, प्रयागराज में सीएम के आने से पहले डॉक्टर ने दी थी बम की सूचना। सड़क हादसे में 2 नाबालिगों समेत 3 की मौत, पीलीभीत में 12 वफात से लौटते समय हुआ हादसा।
डॉक्टरों को खिंचवाकर थाने में डलवा दूंगी, हरदोई मेडिकल कॉलेज में कुर्सी न मिलने पर एसडीएम ने दी धमकी। छब्बीस मौत को लेकर गंभीर नहीं जांच कमेटी, इलाज में लापरवाही की जांच के थे आदेश, पांच दिन डीएम को सौंपी जानी थी रिपोर्ट। बिजनौर में मकान और दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, दमकल की दो गाड़ियों ने पाया काबू। रैगिंग करने वाले दो मेडिकल छात्र हॉस्टल से निष्कासित, झांसी मेडिकल कॉलेज में सीनियरों के नाम न बता पाने पर पीटा था। बारह वफात जुलूस में हादसा, करंट से पांच की मौत, बहराइच में हाईटेंशन लाइन से टकराया, ठेले में बांधा लोहे का पाइप। बिजनौर में सिपाही ने ग्रामीण के साथ की मारपीट, ड्यूटी से था गायब, एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। प्रयागराज में वैक्सीन लगवाने पहुंचा 200 केजी का इंसान, तेज बहादुर, अस्पताल में चौंक गए स्वास्थ्यकर्मी। हाथरस के धान के सरकारी किए केंद्रों पर पसरा सन्नाटा, मंडी में धान के मिल रहे अच्छे दाम। संबल में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, इंटर कॉलेज की तीन छात्राएं घायल, पुलिस ने अज्ञात में दर्ज किया मुकदमा। आगरा में रात भर हुई बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, फसलों को भी नुकसान। उन्नाव में हवालत में युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर, युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, पिता ने दर्ज कराया था केस। बाराबंकी में टैंकर से टकराई रोडवेज बस, पीछे से घुसी बस, चालक परिचालक समेत महिला घायल। जालौन में दो किशोर करंट से झुलसे, एक की मौत, ईद मिला नबी के जश्न के दौरान लाइन से टकराया झंडा। मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड, महापंचायत रद्द, राज्य मंत्री संघ प्रमुख सचिव से मिले दीपक के परिजन। इटावा में निकला 8 फीट लंबा अजगर, 10 किलो का था वजन, विशेषज्ञ ने पकड़कर जंगल में छोड़ा, आकाशवाणी केंद्र की घटना। मुजफ्फरनगर में सम्मेलन के नाम पर सरकार को घेरेगा रालोद, मोरना चीनी मिल विस्तारीकरण की झूठी सूचना फैलाने का आरोप। सहारनपुर में शादी से पहले दूल्हा सहित 9 को जेल, पार्टी में गोमांस परोसने की थी तैयारी। इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर। कानपुर देहात पुलिस ने निर्दोष को भेजा जेल, पुलिस कर्मियों को लगी फटकार, जेल से बाहर लाने के आदेश, कार्रवाई में जुटी पुलिस। झांसी पुलिस और माफिया से परेशान वृद्ध, टावर पर चढ़ा 3 घंटे बाद नीचे उतरा, बोला माफिया को बचाने में लगी है पुलिस। कुशीनगर में दबंगों ने दलित युवती की हत्या कर शव जलाया, मां बोली बेटी के शरीर पर चाकू के निशान थे और पैर में कील भी ठोकी थी।
औरैया में अवैध असलाहा के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल के बाद भी उमरैन चौकी प्रभारी मौन। ग्रेटर नोएडा में नेपाली युवती को फ्लैट पर बुलाकर किया छेड़छाड़। युवती के विरोध करने पर की मारपीट। थाना सेक्टर 142 का है मामला। लखीमपुर में विकास कार्यों की खुली पोल। नालियां ना होने के कारण हो रहा जलभराव। खामियाजा भुगत रहे हैं ग्रामीण। लखनऊ में आज निकलने वाले 12 वफात के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट। पुराने लखनऊ की सड़कों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। मैनपुरी में ताऊ के बेटे ने किया बहन से दुष्कर्म। शिकायत करने पर पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में भर्ती। हिमस्खलन की चपेट में लापता 2 पर्वतारोहियों की तलाश जारी। 10 और शव हेलीकॉप्टर से लाए गए मालती। उत्तराखंड में रांची केदारनाथ ट्रैक पर फंसे बंगाल के 2 ट्रैकर। आपदा प्रबंधन ने भेजी रेस्क्यू टीम। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा केदार बाबा की सौगंध। भारतीय गड़बड़ी करने वालों पर करूंगा कठोर कार्रवाई। उत्तराखंड की कार्यकारिणी छोटी रखना मेहरा के लिए अग्नि परीक्षा। गुटी संतुलन साधने की चुनौती। उत्तराखंड के सचिव के घर तैयार हुआ परिणाम। जिसे नौकरी देनी थी उसकी ओएमआर शीट पर खुद किए गोले काले। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई। वीपीडीओ भर्ती घपले में चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष समेत गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में युवक की मौत। शव लेकर अमरोहा गई महिला गायब। पुलिस ने एम्बुलेंस से वापस भेजी बॉडी। UKSSSC भर्ती परीक्षा धांधली पर बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत सहित 3 को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 29 मार्ग बंद। नैनीताल झील पानी से लबालब। लोगों को किया जा रहा अलर्ट। उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत हाईवे पर दर्जनों स्थानों पर गिरा मलबा। फंसे यात्रियों को प्रशासन ने नई जगह ठहराया। एसटीएफ का खुलासा। अंकिता से संबंध बनाना चाहता था। पुल की देह व्यापार के लिए डालता था दबाव। दरोगा भर्ती घोटाला। हाकम समेत 12 पर मुकदमा। पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय का डीन भी शामिल। उत्तराखंड राजस्व क्षेत्रों में हुआ काफी बदलाव। सीएम ने कहा चरणबद्ध ढंग से नियमित पुलिस को सौंपे जाएंगे। उत्तराखंड में संपत्ति को लेकर छिड़ा पूर्व कर्नल की बेटियों से विवाद। कहा मां को बहला फुसला कर किया गया कब्जा। आयरलैंड के पेट्रोल स्टेशन में ब्लास्ट। 10 लोगों की मौत। मरने वालों में एक छात्रा और 2 बच्चे भी शामिल।
चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का बुजुर्ग कार्ड रिटायर्ड पार्टी सदस्यों को दी जा रही अहम जिम्मेदारी ताकि वे निगेटिव भाषण न दें। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी की तबियत बिगड़ी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के टीचिंग हॉस्पिटल में एडमिट। पाकिस्तान के मिनिस्टर को आतंकवादियों ने किया किडनैप, तहरीक ए तालिबान के आतंकियों की रिहाई मांगी। अमेजन जंगल में मिला सबसे बड़ा पेड़, ऊंचाई 25 मंजिला इमारत के बराबर, उम्र 400 से 600 साल, ढूंढने में 3 साल लगे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर समुद्री में दागी 2 मिसाइलें, यूएस के साथ ड्रिल को लेकर तिलमिलाया तानाशाह। छब्बीस 11 हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि देगी सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति, भारत करेगा बैठक की मेजबानी। क्रीमिया पुल हमले पर पुतिन का पलटवार, अब रूसी एयरफोर्स चीफ को सौंपी यूक्रेन युद्ध की कमान। चीन ने ड्रोन के जरिए रोबोट डॉग को उड़ाया, बंदूक से है लैस, एक बार से निकलती है 80 गोली। मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिलने पर जश्न, स्वांते पावो को दोस्तों ने गोद में उठाया और तालाब में फेंक दिया। नए श्रम कानून पर 31 से अधिक स्टेट यूटी राजी, एक साल नौकरी पर ग्रेजुटी 15 मिनट बढ़े तो ओवरटाइम। इंफोसिस पर भेदभाव के आरोप, कंपनी की पूर्व क्रिएटर बोली, ज्यादा उम्र के वर्कर्स को नहीं मिलती हायरिंग में प्राथमिकता। आईडीबीआई बैंक का होगा प्राइवेटाइजेशन, बैंक में अपनी 61% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार और एलआईसी। नोकिया का लो बजट G11 प्लस स्मार्टफोन लॉन्च, जिसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन और 50 MB डुअल रियल कैमरा। गूगल की इंडिया में मुश्किलें बढ़ी, CCI ने रिवेन्यू शेयरिंग में गड़बड़ी के चलते जांच के दिए आदेश। ब्याज मूल्य में वृद्धि के बावजूद प्रॉपर्टी की मांग बरकरार, तीसरी तिमाही में 3 से 9% की वृद्धि। फर्नीचर कंपनी वुडन स्ट्रीट भारत में अगले 2 साल में 166 करोड़ रुपए का करेगी निवेश, 3,000 लोगों को मिलेगी नौकरियां। सब्जी मंडी में अचानक खरीदारी करने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वीडियो वायरल। सेवा क्षेत्र में आई भारी गिरावट, इस अप्रैल सितंबर में कुल 7.65 लाख करोड़ की लगाई गई पूंजी। सैमसंग का लो बजट गैलेक्सी A04S लॉन्च, 50 MB ट्रिपल रियल कैमरा। T20 वर्ल्ड कप का सूर्य का पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस के बाद गेम प्लान बताया। पंकज आडवाणी 25वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने, सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया।
बाबर आजम की नई रणनीति पर मोहम्मद हफीज ने उठाया सवाल, कहा अगर आपको उन पर भरोसा नहीं तो वो टीम में क्यों है। हर्षल पटेल को युजवेंद्र चहल ने याद दिलाई, हिंदी पहली बार वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं दोनों। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड को धोया, बाबर आजम और हारिस रऊफ ने दिलाई जीत। टीम इंडिया वीमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 59 रन से हराया, एक दिन पहले पाक से मिली थी हार। आफरीदी ने दिया बड़ा बयान, धोनी के दौर में भारत ने पाकिस्तान को स्माइड में रखा था लेकिन अब नहीं। शार्दुल का दर्द आया बाहर, T20 विश्व कप टीम में नहीं चुना जाना बहुत ही ज्यादा निराशाजनक। पोलार्ड ने भारतीय विश्व कप टीम के सदस्य को जमकर सराहा, कहा ऐसा खिलाड़ी कई सालों में एक बार ही होता है। वाशिंगटन सुंदर लेंगे चोटिल, दीपक चहर की जगह रांची में दूसरा वनडे खेल सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर निकले प्रियंका निक, वीडियो में दिखी कपल की क्यूट केमिस्ट्री, एक्ट्रेस ने लिखा मम्मी डैडीज डे आउट। मनोज बाजपेयी ने नई फिल्म का किया ऐलान, कोर्ट रूम ड्रामा में आएंगे नजर, साल 2023 में हो सकती है रिलीज। रणवीर सिंह का डांस वीडियो हुआ वायरल, एनबीए स्टार जियानिस को सिखाया ततर ततर का डांस। सत्यप्रेम की कथा का फर्स्ट शेड्यूल हुआ पूरा, कार्तिक कियारा ने पूरी टीम के साथ काटा केक। बैकलैश के बाद आदि पुरुष को एडिट करने पर ओम राउत बोले, हमें जिस तरह की भी सलाह दी जा रही है उसे हम नोट कर रहे हैं। मौनी रॉय का लेटेस्ट वीडियो आया सामने, ऑरेंज ड्रेस में दिखी बेहद ग्लैमरस, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई काजल अग्रवाल, बेटे नील की दिखाई पहली झलक, क्यूटनेस देख फैंस फिदा। पहले दिन फ्लॉप गुड बाय, 90 लाख का रहा ओपनिंग डे कलेक्शन, बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद पिटी फिल्म। विरोध के बीच पायल रोहतंगी ने साजिद को दिया डिफेंड, कहा उन्हें पैसे कमाने का पूरा हक है, मंदाना करीमी पर भी कसा तंज। बांद्रा में स्पॉट हुई मॉम टू बी बिपाशा बसु, ऑरेंज ड्रेस में आई नजर, चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी का ग्लो। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।